हे गाइस, वेलकम बैक हुकिया चैनल पर। तो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे सबा के तीनों दिन ब्लॉग आ रहे हैं। डेली ब्लॉगर वाली ब्लॉगर वाइब्स आ रही हैं, मतलब डेली ब्लॉगिंग हो रही है, रोज़ के रोज़ ब्लॉग्स अपलोड हो रहे हैं। तो इससे एक बात पता चलती है कि उसका जो मेन कंटेंट है वो रज़ा, रेहान, अम्मी, बेटी, खाला, ये सब का, मतलब मौदहा जाके उसके सास ससुर या सनी। इवन अभी जब ये मुंबई में थी तो रिसेंट दिनों उसके तीन तीन दिन भी जो है वो ब्लॉग्स नहीं आए। एक ब्लॉग उसका तीन तीन दिन चला है। इसने एक दिन के अंदर दो दो व्लॉग्स भी निकाल लिए, मतलब आधा दिन वो, आधा दिन ये, करके इस तरीके से इसने व्लॉग्स खींच लिए हैं। मतलब इसके पास इतना भरपूर कंटेंट और 20-20, 22-22 मिनट का कंटेंट इसने अपलोड किया है। तो ये जो कल सबको दिखा रहा था ना, मतलब परसों वाले ब्लॉग में, जो हकीके वाले ब्लॉग में वो दिखा रहा था रिजा का घर, रेहान का घर। तो बेटा जी, ये रिजा के घर, ये जो तुम्हारे घर और ये सारी चीज़ें बनी है ना, रिजा रेहान को दिखा दिखा के ही बनी है। सबसे पहले भाई भाभी को दिखा दिखा के जो है वो चैनल वायरल हुआ है, इसके बाद रिजा रेहान को ही दिखा दिखा के चैनल वायरल किया है, चैनल की अर्निंग हुई है। ये तीन दिन के डेली व्लॉग्स इस बात को साबित करते हैं कि ये व्लॉग्स, ये जो चैनल है, ये किसकी बेस पे चल रहा है। जब सिर्फ सबा को अपना कंटेंट दिखाना है, अपना कंटेंट बनाना, उसके पास कुछ नहीं है। मतलब 15 मिनट का कंटेंट भी तीन दिन दिन से मुश्किल से निकलता है इसके पास, क्योंकि कुछ करने को होता ही नहीं है। सुबह में लेट उठती है, नाश्ता करती है, खाना खाती है, रेस्टोरेंट जाती है, शॉपिंग करती है और फिर आ जाती है। तो कुछ है ही नहीं करने को इंटरेस्टिंग ने, एंटरटेनिंग। तो भाई सिर्फ और सिर्फ रिजा और रेहान की वजह से ही चल रहा है, तो चल ही रहा है उनकी वजह से। तो तुम उनको बार बार दिखाते हो ना कि ये घर उनका है, ये घर इनका रियल घर है, वो घर। तो बहन, अगर ये ना होते ना, या दीपिका शिव ना होते ना, तो तुम्हारा रियल घर भी मौदा ही होता। तुम मुंबई ना आते, तुम मौदा में ही बैठे होते किसी ना किसी और से शादी करके, क्योंकि सबा से शादी भी इसी वजह से हुई है। अच्छा, शादी के ऊपर याद आया, उस दिन जब ये लोग ट्रेन ट्रेन वाला जो ब्लॉग था उसमें मैंने उस समझ नहीं मुक्ति यार, ये मतलब ये कौन सी ऐसी लड़कियां होती, कहाँ से आती हैं ऐसी, जो इस बात को भी सेलिब्रेट करने का बोलती है और स्पेशल फील करवाने का बोलती है कि अक्टूबर में जो है वो आने वाला है हमारा, क्योंकि हमने बात की थी पहले टाइम, तो इसलिए अक्टूबर में जो है मुझे वो डे सेलिब्रेट करना है। मतलब भाई बस कर जाओ बहन, इतना काय सेलिब्रेशन है तुम्हारी जिंदगी में, मतलब इतना क्यों? ये मेरी तो समझ नहीं आती ये सारी चीज़ें, मतलब कि यार इतना चौसलाबाजी। नॉर्मली अब काफ़ी लोग बोलेंगे तुम जैलेस हो, तुम्हारा हस्बैंड नहीं करता। यार किसी के हस्बैंड भी नहीं करते, आई थिंक सो 2% हस्बैंड भी मुश्किल से कोई करता होगा तो करता होगा। ऐसे दिनों को कौन सेलिब्रेट करता है? वो एनिवर्सरी और बर्थडे याद रख लें, वो भी बहुत देर, लड़कों को तो वो भी याद नहीं रहता, हस्बैंड लोगों को तो वो भी याद नहीं रहता। जब तक वो बॉयफ्रेंड वाला सीन होता है तो वो थोड़ा बहुत याद रख भी लेते हैं। अच्छा, इवन ये देखो कि उसने कितना तंग किया था शादी से पहले भी, स्पेशल स्पेशल को मुझे स्पेशल फील करवाओ, मुझे स्पेशल फील करवाओ, कि उसका नाम स्पेशल जो है वो रख दिया गया था, स्पेशल लड़की का इस तरीके का इसको टाइटल दे दिया गया था। मतलब कितना स्पेशल फील करवाने का, ये मेरे को समझ नहीं आता। ये लड़कियों को क्या ऐसा है कि भाई स्पेशल, भाई मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है ना, हर किसी की मोहब्बत करने का इजहार अलग होता है। अब हम ये सब कुछ नेट से देखकर, कभी टिकटॉक से देखकर, कभी कुछ देखकर हमें लगता है कि हमारा पार्टनर भी ऐसा हो। मतलब कि ये जो इंस्पायरिंग तो दूसरों के लिए बन रही है ना, इससे पहले कहीं और इंस्पायर्ड थी, कहीं और से इंस्पायर्ड थी, इसीलिए उसको होता था कि मुझे स्पेशल फील करवाओ, मुझे ये करवाओ, मुझे वो। और भाई ये भी पता चला है कि उससे पहले भी उसको कुछ तोहफे तहाइफ देती रहती थी, जिसमें जो है वो उसने सैमसंग का फ़ोन दिखाया, कि वो जो सैमसंग का फ़ोन, यानी पहले से ही सिर्फ रिचार्ज जो है 100 रुपये के रिचार्ज पर लॉटरी लग गई है भाई इसकी। मैं बोलती हूँ भाई, बंदे की लॉटरी लग गई है, मतलब एक रिचार्ज करवाने पर आपको फ्लिप वाला फ़ोन, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की गई है शुरू दिन से, लॉटरी है भाई इस बंदे की। तो ये बंदा जो इतना ज़्यादा, ये जो तुम्हें फ़ोन भी मिल रहा है ना, ये तुम्हें रजा रेहान की बदौलत ही मिल रहा है, क्योंकि सबा के खुद के कंटेंट में कोई दम नहीं है, ये हमने देख लिया है रिसेंट दिनों, जितने इसने स्किप किए हैं ये चीज़ें इसके सामने नजर आ रही है ना। हम तो नहीं बोल रहे, या हम अपनी तरफ से तो नहीं लगा के बोल रहे, देख लो तीन दिन रेगुलर वीडियोज़ आई हैं इस। अच्छा, इस वाली जो ये जो वीडियो आई है ना, इसमें इंतहा से ज़्यादा जो है वो लालचीपन दिखा है, अजीब तरीके का व्लॉग देखा, मतलब पूरा, मतलब वो जो लास्ट वाला व्लॉग था ना, वो मुझे थोड़ा सा सनी को लेके अजीब लग रहा था, बाकी मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है यार, नॉर्मल व्लॉग चल रहा है, इट्स ओके। मतलब कि काफ़ी लोगों को उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखी है, लेकिन मेरे लिए वो व्लॉग एज अ नॉर्मल व्लॉग था, हकीके का व्लॉग था, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। लेकिन देख लो भाई, बात सारी यही है घूम फिर कर, उसने जो टूर दिया, रूम होम टूर दिया, वो भी बेटी खाला का होम टूर है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है शादियों की, मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स के साथ बात करूँगी, लेकिन बात हर चीज़ पर होगी। तो शादी की बात आती है तो वहाँ पर जो बड़े पापा आए हुए थे, तो ये देखो इसका लालचीपन यहीं से पता चलता है।
तो, और इसके अंदर जो दामाद वाली फीलिंग्स है ना, ये एक प्रॉपर माइंडसेट है। मुझे देखो, गांव वालों को ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये एक माइंडसेट होता है, और ये शहर वालों में भी होता है। जो दामाद वाले होते हैं ना, उनको बड़ा दहेज की और इन सब की लालच होती है, कि दहेज की लालच, और हम तो दामाद है, हमें तो देना फ़र्ज है। तो इस किस्म की मैंटेलिटी जो है वो हमें आज सनी में देखने को मिल गई है। ये जो सब बोल रहे थे ना, 10 लाख लिए, ये लिया, वो लिया, और काफ़ी लोग जो उसके अंधभक्त थे ना, फिर अंधभक्त बोला मैंने, ब्लाइंड फॉलोवर्स थे ना वो, तो उन्होंने जो है इस चीज़ को काफ़ी हल्ला मचाया था। नहीं, आप लोग गलत बोलते हो, सनी लालची नहीं है, सनी ये नहीं है। तो भाई लालच दिख गई है उसकी। चलो अब हम दिखाते कैसे लालच दिखी है। तो भाई ये जो बड़े पापा आते हैं ना, तो ये बड़े पापा देते हैं इनको कुछ पैसे। तो सभा यहाँ पे बैठ के, सभा अच्छा क्लियर करने को आई है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया, सभा ने जो ना वो धजियाँ उड़ा दी है। सभा ना बड़ी शातर है, मेरे को ये समझ में आ गया, शातर बहुत है वो लड़की। अच्छा जी, तो वो बोलती है कि बड़े पापा ने बोला कि तुम्हें कपड़े चाहिए या तुम्हें जो है वो चाहिए, पैसा चाहिए। तो सनी ने बगैर शर्म काहे बोल दिया कि मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, इसने ये बोल दिया। तो सनी साहब बोलते हैं, हाँ तो क्या हुआ, दामाद को तो देते हैं ना। भाई मैं बोलती हूँ, लानत है ऐसी सोच पर, सीरियसली लानत है। अगर ऐसी सोच मेरे हस्बैंड की होती ना, मैंने सीरियसली कसम से मैं नहीं गुजारा करती। कि यार ये कौन सा तरीका है, मतलब कि मैं फ़ौरन वो बोलती, भाई मैनू नहीं रहना तुम्हारे साथ। मतलब तुम्हारी सोच ये है कि तुम दामाद हो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे माँ बाप या मेरे रिलेटिव्स तुम्हें पैसे दें। ओ भाई बस कर जा, मतलब कि इतना पैसा तुझे काफ़ी नहीं है, तूने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली है, तूने पूरा का पूरा सब कुछ अपना अंपायर खड़ा कर लिया इतना बड़ा, फिर भी तुमको कम नहीं है। फिर भी तुम उनसे, जिनके पता नहीं कोई मुझे इतने ज़्यादा अमीर तो वो लग नहीं रहे थे, मतलब एक नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली से भी तुमने पैसे बड़े हक से ले लिए हैं। बल्कि तुम्हें देना चाहिए कि तुम्हें लेना चाहिए, और तुम इतने हक से और इतने फकर से ले भी रहे हो। लालचीपन इंतहा का, देखो ये लालच ही है। ये मोहब्बत, अगर इसको किसी ने भी लपेटा ना मोहब्बत में, कि ये मोहब्बत है, मोहब्बत में तो सब करते, इसको मोहब्बत नहीं, इसको लालचीपन कहते हैं। अब ये अगर अलग बात है कि आप अगर देखना नहीं चाह रहे उस चीज़ को, तो अलग बात है। लेकिन आप ज़रा अपने पर रख के सोचो, हमारे हस्बैंड को जो कि हमारे घर वाले आते हैं, जो कि ठीक है नॉर्मल है, अब मेरे कोई चाचू वगैरह, मेरे तो खैर चाचू हैं जो कि ठीक है मिडिल क्लास है, वो आते हैं मेरे घर पर, उनके बेटे की या बेटी की शादी है, वो मुझे बोलते हैं कि ये तुम पैसे रखो, जबकि मैं एक अच्छी मतलब कि वेल्थ फैमिली से हूँ, और मुझे बोले कि पैसे रखो, मेरे हस्बैंड सामने से बोले कि हाँ ठीक है मुझे पैसे दे दो, मेरा तो हक है। तो मैं तो बोलूँगा अरे भाई बस कर जा, मतलब मैं तो उधर ही जलील कर दूँ, मैं तो बख्शूँ ही ना, मतलब ये कौन सा तरीका है यार। तुम मतलब लालच है, सीधा सिंपल लालच है, और लालच का कोई मुंह नहीं है, ये पता चल गया। काफ़ी लोग सनी को लालची लालची कहते थे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं करती थी कि नहीं यार मुझे इतना ज़्यादा लालची नहीं। ठीक है वो अपनी बीवी के पैसों पर ज़रूर रह रहा है, लेकिन वो अपना हाथ पर चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने रेस्टोरेंट भी ओपन किया है तो ठीक है, चलो हाथ तो चला रहा है, कम से कम हाथ पर चला तो रहा है, बीवी के पैसों से पैसा बना रहा है, ये मुझे एक चीज़ उसमें अच्छी लग रही थी कि चलो उसका पैसा सेव करवा रहा है। लेकिन भाई ये लालची है, ये बात प्रूफ हो गई है इंतहा से ज़्यादा कि ये बंदा लालची है। बहुत सारे लोग, इवन मैंने कॉफ़ी की इतनी सारी वीडियोज़ में उसको सुना था कि ये लालची है, लालची है, ये वो है, बट मुझे लगता था कि हाँ ठीक है उसने शायद पैसों को देख के शादी की है, बट ये हैंस प्रूफ हो चुका है कि उसने पैसों को देख के ही शादी की। क्योंकि मैंने भी अपनी वीडियोस में कहा था कि अगर सभा इतनी ही, सभा से उसको इतनी मोहब्बत थी, तो जब सभा सक्सेसफुल नहीं थी, अगर सभा सक्सेसफुल हुई अभी 3 साल से, ठीक है ना, 3 साढ़े 3 साल से उसको अच्छी सक्सेस मिल गई है। इससे पहले इनका रिलेशन इन्होंने कहा है 7 साल से चल रहा है, ठीक है 7 साल से इनका रिलेशन है। लव स्टोरी तो खैर अभी तक आई नहीं है, ये लव स्टोरी भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत झोल है इनकी लव स्टोरीज में, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कॉन्टेंट मिस कर रहे हैं, कॉन्टेंट लव स्टोरी का कॉन्टेंट दे ही नहीं रहा, तो लव स्टोरी मिस है इनकी। तो 7 साल में तुमने, अगर तुम ये 3 साल, तो तुमने 4 साल उसका कोई साथ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब ना तुम्हारा इरादा था शादी का ना कुछ था। अगर इतना ही पक्का इरादा होता तो तुम उस वक्त सपोर्ट करते, और अगर तुम दोनों मिल के बनते तो ये तुम्हारा और इसका मिल के बनता। आज सिर्फ और सिर्फ ये क्रेडिट तुम ले लेते हो ना, ये भी सीधा सिंपल, पता नहीं काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जो है वो सभा स्पेशल फील करवा रही है, लेकिन सभा जो है वो कहीं ना कहीं दीपिका 2.0 बन रही है। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, मतलब वही सनी को पैम्पर करना, सनी को चाटम चाट करना कि नहीं तुम्हारा है हमारा है, तुम भी इसके हो, ये वो, जब भी कुछ ऐसा कमेंट्स आ जाता तो उस पर आकर सनी के बेस पर जो है वो बात करना कि ये तो सनी का भी है। तो भाई सनी ने नहीं बनाया है, रेजा रेहान ने तुम्हारे साथ मेहनत की है, उनकी मेहनत है, उनका कॉन्टेंट है। आप जितने भी व्लॉग्स देखो उसके, दीपिका की मेहनत है, शुएब की मेहनत है, तुम्हारी अपनी मेहनत ज़रूर है, लेकिन सनी की मेहनत कहीं भी नहीं। अभी आखिर बार बार सनी को बोलती है ना, सनी अगर आप ना होते तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं वो नहीं होती। तो बहन सनी नहीं था इसके पीछे, सनी नहीं था। अगर सनी होता तो आज से 7 साल पहले जब तुमने रिलेशन स्टार्ट किया, तो 1 साल के अंदर अंदर ही सनी अपने माँ बाप को मना कर तुमसे, तुम्हारे साथ एक बंधन बांध लेता, तुम्हारे साथ एक मंगनी कर लेता। ठीक है मंगनियाँ भी रहती हैं, ऐसे थोड़ी नहीं रहती, मंगनी कर लेता, तुम्हारे साथ व्लॉग्स में फीचर होता कि ये मेरा फियांसे है, ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
फिर 7 साल तुम्हारा रिलेशन रहा, लेकिन उस 7 साल में वो जब तक वो खुद मतलब कि एक प्रॉपर रिश्ता होकर नहीं सामने आया, तब तक वो नहीं सामने आया ना, ना उसने कोई सामने आया, ना कोई उसने कोई अपनी वजूद दिखाया, तो उसने किस किस्म का तुम्हें साथ दिया मुझे ये बता दो। कैसा उसने सिर्फ तुम्हें ये साथ दे दिया, तुम्हें ये इजाजत दे दी कि हाँ ठीक है तुम ब्लॉग जाके बनाओ, ये इजाजत दे दी तुम्हें उसने? अगर ये साथ तुम्हें लग रहा है तो मेरे हिसाब से तो भाई तुम खुद भी जो है वो दिमाग से पैदल हो, अकल ही नहीं है तुम्हारे अंदर बहन। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि सनी ने साथ दिया नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा मेन जो है तुम्हारे घर के लोग ही थे जिनको आज तुमने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है। तुम उनको बार बार गालियां पढ़वाती हो, बार बार ये सब कुछ करती, मतलब अपने ही बहन भाइयों को कौन गालियां पढ़वाता है यार, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब आप ऐसी क्लिप ऐड कर रहे हो ना, अब तो आपको इतनी अक्ल आ चुकी है, मैंने उस दफा भी कहा कि उसको इतनी अक्ल आ चुकी है कि इस क्लिप से ये रिएक्शन आएगा, इस क्लिप से ये रिएक्शन आएगा, तो फिर भी आप वो क्लिप अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर आप जान के प्रोवाइड कर रहे हो, आपको पता है कि रिएक्शन अगर आए। लास्ट वाले ब्लॉग में वो जो रिजा ट्रोल हुई अपने माँ बाप की वजह से कि उसने अपने माँ बाप को सही मुंह नहीं दिया, ये नहीं दिया, माँ बाप से दूर हो गए हैं, तो दूर करने वाले और दूर करवाने वाले, देखो रिजा रेहान पे आप जितना भी ब्लेम डाल लो लेकिन चारों के चारों गलत है, जिन्होंने रखा वो भी गलत है, और जिन्होंने दूर किया यानी उनके माँ बाप, सबसे ज़्यादा गलती उनके माँ बाप की ही है कि क्यों उन्होंने इतनी छोटी छोटी उम्रों में उनको छोड़ दिया वहाँ पर। अगर वो चाहती, वो यहाँ पर अपने ससुराल के साथ तो नहीं रहती ना, वो तो ससुराल से अलग ही रहती हैं, वो चाहती तो वो मुंबई शिफ्ट हो सकती थी, कोई छोटा मोटा घर लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाती। चलो अगर शुरू में मैं बोलूँ शुएब सबका खर्चा उठा रहा था और वो ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बाद जब सबा ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तब तो आ ही सकती थी ना, फिर क्या था। मौदहा का घर भी आप अपना रेंट पे देकर और आप यहाँ पर एक छोटा मोटा घर रेंट पे लेकर इतना तो आप कर ही सकती हो ना, जिसको सपोर्ट करना था वो आपको वहाँ भी सपोर्ट करता, रिजा रेहान को वहाँ भी सपोर्ट करता, सिर्फ एक पढ़ाई की बेस पर आपने अपने बच्चों को इतना दूर कर दिया। अब बच्चों को ट्रोल करना मुझे वाकई लगता है कि गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है वो टीनेज में आ चुके हैं, उनको अब खुद को अपनी अक्ल यूज़ करनी चाहिए, लेकिन वो एक बच्चे यूज टू हो चुके हैं। एक कमेंट था जो मेरी नजरों से गुजरा था जहां पर ये था कि जब सबा को स्पेशल फील करवाना होता है तो ये बच्चे पीछे नहीं हटते, लेकिन अपने माँ बाप से मोहब्बत जताने में जो ये पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो इन्होंने कंफर्ट इनके साथ रहा ही नहीं है माँ बाप के साथ, माँ बाप से वो अजनबियों की तरह मिले, जिस तरीके से हम अपने रिश्तेदारों से सालों में मिलते हैं उस तरीके से अपने माँ बाप से महीनों में और सालों में मिले, तो मुझे पता वो कंफर्ट जोन उनका रहा ही नहीं अपने माँ बाप के साथ, वो जोन उसका सबा के साथ ही रहा। अभी रिसेंट वाले ब्लॉग में भी टीचर्स डे का गिफ्ट जो है वो उस पर दिया है, तो अच्छा पढ़ाई को उसने कहा है कि अच्छा इंसान ये नहीं कि आप पढ़ाई जो है वो करो, डिग्रियां बड़ी बड़ी लो, मुझे समझ में नहीं आता पढ़ाई का ताल्लुक अच्छे इंसान से क्या है। पढ़ाई एक बेसिक चीज़ है जो आपको करनी है, ठीक है ना, उसका ताल्लुक अच्छे से नहीं है। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे भी देखे जो बुरे बंदे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई का ताल्लुक अच्छे उससे नहीं है, पढ़ाई का ताल्लुक इंसानियत से है, आपके जो है अंदर कितनी इंसानियत है, आप लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हो, आपके अंदर से आपके ज़मीर से है अच्छा ताल्लुक, आपके अमल से अच्छा बनना अच्छा आदमी का, पढ़ाई से कोई लेन देन नहीं है, पढ़ाई एक बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए, पढ़ाई जिंदगी के सर्वाइव करने का हिस्सा है। अगर आप अनपढ़ भी हो ऐसा मतलब ये नहीं है कि हाँ आप कोई अच्छे आदमी नहीं हो, मतलब क्या यार कुछ भी लॉजिक लगा लेते हैं। वो टीचर्स डे का गिफ्ट देती हैं तो उस पर जो है वो उसी दिन देना था, अच्छा मुंह खुला हुआ चेक करो, एक तो बच्चे तुमको गिफ्ट दे रहे हैं उसमें तुमने इतना मुंह खुला है, मतलब भाई बंदी को हर वक्त स्पेशल। मुझे लगता है इसने उस दिन जलील किया होगा, उसने ना इंस्टा पे पोस्ट लगाई हुई थी तो हो सकता है इसने जलील किया होगा, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने विश किया और तुमने नहीं किया, मैं तो तुम्हारी मेंटोर हूँ, मैं तो तुम्हारा ये हुआ हूँ, तो फिर बच्चों ने जो है वो उसके लिए स्पेशल फील, मतलब हर एक एक छोटा छोटा बच्चा भी तुमको इसका बस चला नहीं था कि रूहान को बोले मुझे स्पेशल फील करवाओ, जैसे दीपिका का बस चला ना तो वो रूहान को जाके बोले ना कि तुम शुएब को स्पेशल फील कराओ, वैसे ना इसका बस चला ना तो ये रूहान को भी जाके बोले कि मुझे स्पेशल फील करवाओ, चलो तुम मुझे स्पेशल फील करवाओ, मतलब ये सब पागल है स्पेशल फील करवाने के लिए। मुझे ये पागलपन ना समझ में नहीं आता, अपने एक बंदे से फील रखना, उम्मीद रखना कि वो मुझे स्पेशल फील करवाए, लेकिन वो भी कभी कभार होता है कि हाँ यार कभी कभार जब आप बहुत लो, खास करके पीरियड्स एक वायद ऐसी चीज़ है जिस पर आपको लगता है कि यार मेरे हस्बैंड जो है मुझे थोड़ा सा स्पेशल फील करवा दे, कुछ आपकी क्रेविंग्स को पूरा कर दें, तो वो एक समझ में आता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें स्पेशल फील करवाने के लिए थी, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको गिफ्ट में कुछ पैक करके कोई भारी भरकम चीज़ दे, ये फूलों से सजावट ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉग्स में अच्छी लगती है और रील्स में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में इसका कोई ताल्लुक नहीं है लड़कियों, इसलिए समझ लो इस चीज़ से। तो ये नहीं है कि आपको फूलम फूल दे, ज़रूरी नहीं है, मैं कहती हूँ फूल देना ज़रूरी नहीं, फूलों की तरह रखना ज़रूरी है। अगर ये इतना फूल फूल देने के बाद अगर ये बंदा इतना लालची है तो मैं कहती हूँ सही है भाई, हमारे शौहर में फूल फूल से नहीं सजाते, लेकिन इतने लालची तो कम से कम नहीं है। और जिनके शौहर लालची हैं भाई सोचते कल को अगर उसके पास ना रहा तो क्या ये बंदा रहेगा इसके पास, जो बंदा इतना लालची है जिसके पास इतना पैसा होने के बावजूद वो बगैर शर्म के जो है वो पैसे उनसे ले रहा है, तो बहुत अजीब लगा है मुझे सीरियसली। मुझे वो मेरे ख्याल में सबा को ये क्लिप नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन खैर सच्चाई जो है वो कहता है ना सामने आ ही जाती है, वही हो रहा है कि रियल फेस जो है वो सामने आते ही जा रहे हैं, खास करके सबा अपने व्लॉग्स में ही सबको कहता है ना कि नंगा कर देती है भाई।
और अब देखते हैं उस बात की सफाई कैसे आती है। इस बात की सफाई भी आएगी, मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड सनी का वो मतलब नहीं था, फ्रेंड सनी वो इतने प्यार से दे रहे थे तो इसीलिए फ्रेंड सनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि किसी को बुरा ना लगे ना कि वो गरीब है इसलिए हम उनसे कुछ नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए सनी ने फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर लिया। देखो फ्रेंड्स ये इस तरीके से आएगी। और अच्छा जी, सनी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये सारी बातें तो है, और बहुत सारी बातें हो रही है कि रेजा रेहान को जब उसने 1,000 रुपये दिए ना, तो उसने काफ़ी लोगों ने कहा है कि 1,000 रुपये आई थिंक उसने दिए, कि 1,000 रुपये लेके उसने 3 दिन का कॉन्टेंट निकाल लिया जिससे उसने लाखों रुपये कमा लिए है। तो हाँ यार, ये तो हमने शुरू से ही देखा है कि वो रेहान तो खैर फिर भी जो है वो अच्छा खासा उसको खर्चा करवा देता है, लेकिन रिजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी मिनिमम वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनरी और यही सब चीज़ें लेती है और उसी में वो निपट जाती है। और काफ़ी सारे कमेंट्स, अच्छा एक कमेंट ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ उस वीडियो में, जिसमें वो कमेंट ये था कि आप रिजा रेहान को घर दिला दो, कि क्योंकि उसने आप लोग का इतना साथ दिया, ये दिया है वो दिया है। भाई वो नहीं दिलाएगी घर, वो जब घर अगर उसको दिलाना होता तो वो उस टाइम पे दिलाती जब वो बच्चे अपने माँ बाप से इतना दूर जा रहे थे, तो वो उनको यहीं शिफ्ट करवाती कि नहीं यार खाला खालू आप लोग तो यहीं पर आ जाओ, और यहीं पर आकर ऑब्वियसली रिजा रेहान मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं जो है वो कर देती। भाई जो अब अपनी सगी माँ को उसने घर नहीं दिलाया, सगी माँ को जो है वो शुएब ने घर दिलाया है, तो कहानी खत्म है ना, वो किसी को क्यों सपोर्ट करेगी। और अब सनी आपको लगता है वो दिलाने देगा? जिस किस्म का उसकी अभी हमें आजकल सोच दिख रही है, वो बार बार उनको ये बता रहा है कि मौदहा तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तो वो बंदा लगता है कि वो तुम्हें जो है वो उसको कुछ करने देगा। जहाँ शॉपिंग की बात आती है, आप नोट करना, जब वो खुद जाता है शॉपिंग करने के लिए तो उसकी एक चूँ भी नहीं होती। जैसे ही सभा जाती है किसी को भी शॉपिंग करवाने के लिए, इवन वो उसके ही अपने घर वालों को भी शॉपिंग करवाने के लिए गई थी ना, तब भी इसके ड्रामा शुरू होगा, अभी कितनी शॉपिंग करनी है, जल्दी करो, ये करो वो करो, तो इसके रोने गाने शुरू हो जाते हैं। यानी इसका बस चलता ही नहीं है, ये इतना ज़्यादा लालची और इतना ज़्यादा जो ना दिमाग से, मतलब मेरे को लगता है पैदल बंदा है, तो उसको होता है कि भाई ये पैसे जो ना सिर्फ मैं ही खर्च करूँ और कोई खर्च ना करे इन पैसों को। तो वो चीज़ मैंने बहुत नोट करी है सनी के अंदर। तो ये आपको लगता है ये उनको खर्च करने देगा और सभा को जो है वो खर्च करने देगा रिजा और रेहान पर? कभी भी नहीं। घर तो छोड़ो, वो उनको एक तिनका भी दिलाने दे तो बहुत बड़ी बात है। अब तो रेहान भी देख लो, बहुत ज़्यादा शॉपिंग रेहान की भी कम हो गई है, अब तो रेहान भी नज़र नहीं आता शॉपिंग करते हुए इतना कुछ। तो इसीलिए रेहान जो है वो आजकल ऊपर ही नज़र आता है, शुएब के पास ही ज़्यादा, शुएब के साथ ही वो ज़्यादा रहते हुए टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आता है। तो रेहान का भी आजकल हट गया है थोड़ा सा, इतना ज़्यादा अब नहीं है। और रिजा तो वैसे भी शॉपिंग के नाम पर जो है वो मासूमाना ही शॉपिंग करती है, रिजा की शॉपिंग तो आज तक मैं ये देखती हूँ, बंदी जो है एडल्ट उसमें आ गई है, ठीक है 18 के बाद आप एडल्ट हो जाते हो, लेकिन उसकी शॉपिंग आज भी आप देख लो, चाहे उसको किसी को गिफ्ट देना हो चाहे उसको गिफ्ट लेने हो, स्टेशनरी, मतलब ठीक है आपको एक स्टेशनरी तक प्यार होता है, लेकिन 18 के बाद अब अपने अपने अंदर चेंजेस, आपके खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। दरअसल अब मसला सारा ये है ना कि बात सारी होती है कि आपके आसपास के लोगों की। अब आसपास उसके कौन है? सनी और सभा, बस यही है, जिनको खाना पीना और शॉपिंग, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है ना, उनको को पहनने का कोई डिसेंसी है कुछ भी नहीं है, अजीब किस्म के कपड़े पहनते हैं, अजीब ही सब कुछ है। और रिजा के तो कोई दोस्त ही नहीं है, मतलब कि एक दोस्तों की गैदरिंग में इंसान जाता है तो उसको होता है कि हाँ यार ये भी चल रहा है मार्केट में आज, ये भी मेरी फ्रेंड्स ऐसे आ रही हैं ऐसे नहीं आ रही। तो वो हर किसी के जो आप कह लो इंस्पायर होता है ना, वो अपने दोस्तों से ज़्यादा होता है, अपने दोस्तों के साथ रह के ज़्यादा होता है। अब उस बंदी के कुछ दोस्त वोस्त तो है नहीं। और ये एक बात जो ना रिजा को उसने बहुत बार बोली, अपने घर में तुम काम कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, मतलब एक दिन पहले पुराने ही जाओ तो वो ट्रोल हुई है इतना ज्यादा कि तुमने जो है, तुम्हारी बीवी ट्रोल हुई है कि तुमने जो है वो रिजा को मासी बना दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, मतलब कि इस बंदे को अपने घर में वो बंदी काम करती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन ऑडियंस को ये दिखाना कि देखो ये अपने घर में आके काम करी और हमारे घर में ये काम नहीं करती। तो ऑडियंस भाई अंधी नहीं है, ऑडियंस से सही से लताड़ लगाई हुई है कि तुम अंधे हो, तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारे अंदर आंखें नहीं है, लेकिन हमारे अंदर पूरी आंखें। अच्छा इस व्लॉग में और भी बहुत कुछ था, जैसा कि सबसे ज़्यादा जो था एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ। जो है वो सभा साहिबा कहती है कि लोहे के बर्तन में आप खाना खाओ और लोहे के बर्तन में खाना बनाओ और उसमें से खाना खाओ तो आपको आयरन मिलता जाता है। तो जो जो आयरन की टैबलेट्स ले रहा है, जिन जिन को आयरन की कमी है, तो वो सब उठाकर आप बाहर फेंक दो। मुझे लगता है इसकी ये बात सुन के ना सेब हो गए, ये जो फ्रूट जिनके अंदर आयरन पाया जाता है ना, वो सब पुणे में जाकर जो ना रो रहे होंगे कि यार ये क्या है, मतलब कि हम फिर किस लिए हैं। अगर आपको लोहे के बर्तन में से ही, मतलब जिस चीज़ के अंदर लोहा आ गया, आपको अगर आयरन की कमी है, लोहा खाना शुरू कर दो, सीरियसली आपका आयरन खत्म हो जाएगा। आपको आयरन इतना मिलेगा ना कि आपको एक्स्ट्रा डोनेट करना पड़ जाएगा, मतलब बहन कुछ भी। एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन अच्छा इंसान बनने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, एजुकेशन शऊर पाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। सीरियसली वो पॉइंट इतना हिलेरियस था, इतना ज़्यादा, मैंने कहा यार क्या है।
मतलब एजुकेशन का मतलब आपको शऊर बाना है। काफी लोगों को लगता है एजुकेशन का मतलब इंग्लिश सही करना है, या आपको, काफी लोगों ने मुझे मेरे प्रोनाउंस पर बहुत ज्यादा बात की हुई है कि आपको प्रोनाउंस से खुद एजुकेशन। भाई मेरे पास एजुकेशन है और अच्छी खासी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है शऊर अच्छे से है मुझ में। जितनी एजुकेशन की नीड है एक बंदी को, एक लड़की को, अगर एक हाउस वाइफ को, वो मेरे अंदर बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह है। अगर इंग्लिश का प्रोनाउंस ठीक नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती। समझ सुमझ सब आती है, बट सारा मसला होता है वो ये होता है ना कि आपने सुना है ना कि इंग्लिश का ये सीन है कि आपके दिमाग में तो पहाड़ जितनी होती है और जब आपके जबान पर आती है ना तो वो चोटी जितनी हो जाती है। तो ये वाला सीन है हमारे साथ ना। और प्रोनाउंस मेरे बहुत सारे वर्ड्स में, मेरे उर्दू के वर्ड्स भी इतने गलत हो जाते हैं प्रोनाउंस में, तो उसका ताल्लुक कहीं से भी पढ़ाई से नहीं है, उसका ताल्लुक ये है कि आप कितना बोल रहे हो। बन मैं अपने ज़माने में ना बहुत ज़्यादा खामोश लड़की थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बोला ही नहीं है, तो इसीलिए मेरे वर्ड्स जो ना आज भी मुझे कभी कभार जो ना वो मेरे वर्ड्स जो ना वो घुस घुस जाते हैं। ये नहीं कि मैंने बोला नहीं है तो मुझे बोलना आता नहीं, बोलना मुझे पूरा आता है, ज़बान मेरे पास पूरी सॉफ्ट है, ये बात नहीं है। लेकिन खैर बहरहाल जो है वो प्रोनाउंस के ऊपर बहुत बात है। तो पढ़ाई जो ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर शऊर होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। मतलब कि मैं ऐसे किसी को मशवरे नहीं देती, अब कोई मुझे आके बोल रहा है कि मेरे अंदर वाइट सेल्स की कमी है तो पता चला मैं जाऊँ मार्केट और मैं उसको वाइट कलर का सेल्स ला के खिला दूँ, मैं बोलूँ ये लो तुम खा लो तुम्हारे अंदर वाइट सेल्स आ जाएंगे। कोई बोले मेरे अंदर रेड सेल की है तो मैं उनको टोशिबा का सेल ला दूँगी, ये लो तुम खा लो ये। मतलब ये वाली नॉलेज मुझे पता है कि ये नहीं है, ये गलत है, सेल्स आप कैसे नहीं बढ़ते हैं। मतलब ये सही है यार, मतलब अगर आपको सेल्स की कमी है तो आप वाइट सेल्स लेकर आओ और वाइट सेल्स आप डायरेक्ट जो है ना वो पानी के साथ उतार लो। मतलब काहे तुमने एडमिट होना है, काहे तुमने अपने ऊपर जो है वो इतना ज्यादा हंगामा मचाना और अपने आप को इतनी तकलीफ में देना है यार। ये नहीं है, आप लोग आज तक गलत डॉक्टरी पढ़ रहे हो, ये डॉक्टरों को कुछ पता ही नहीं है, ये आयरन की टेबलेट्स लिख के देते हैं। मतलब इनको तो आयरन की पतीलियां लिख के देनी चाहिए थे, आयरन के तवे लिख के देने चाहिए थे, लोहे के तवे इनको लिख के देने चाहिए थे। ये कौन सा डॉक्टर थी? ये आज तक हमारे साथ गलत गलत हुआ है, हम केस करेंगे डॉक्टरों पे। क्योंकि रिसेंट मुझे भी जब मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना तो मुझे आयरन की टैबलेट्स लिख के दी थी, रुको जरा मैं केस करती हूँ अपने डॉक्टर पे जाके, ये कौन सा तरीका है डॉक्टर साहब, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं लोहे के तवे में जाके खाना खाऊं और मैं लोहे के बर्तन में जाके खाना बनाऊं तो मेरी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। मुझे तो पागलों की तरह आयरन की गोलियां पिलाई हैं 9 महीने। ये तो गलत बात है यार, ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ। तो आप में से जो जो लोग अभी आयरन की गोलियां खा रहे हो ना, सब छोड़ो, लोहे के बर्तन लेकर आओ, शाबाश। मतलब इतना ज्यादा हंसी आई है ना मुझे भाई कि क्या बोलती है ये लड़की, कुछ भी बोलती है। अगर किसी ने बोला ना कि लोहे के बर्तन में खाने से आयरन मिलता है तो मैंने ना कुट लगानी उस बंदे की, मैं सीरियसली बता रही हूँ। ये जो सभा के फैंस होते हैं ना उनको ये सब कुछ नहीं पता होता, ये लोग आके कुछ भी बोल देते हैं, हमें गूगल करो ये करो वो करो, भाई नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो सीरियसली डॉक्टर ना आपको लोहे की कढ़ाई पीस पीस के जो ना वो खाने को बोल देते हैं कि ये लो ये एक चम्मच सुबह खा लेना, एक चम्मच दोपहर में खा लेना, आपके आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। हाँ ये बोल सकती थी कि लोहे का बर्तन पकाने के लिए अच्छा होता है, उसके बेनिफिट्स अच्छे होते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं वो ज़ाया नहीं होते, इन द सेंस इस किस्म का समझ में आता है। लेकिन भैया ने, बहन ने तो कुछ भी बोल दिया है भाई। तो ये मुझे लगता है ये जो जंक फूड भी खाती है ना, ये इसी बेस पर रख कर खाती है कि ये सोचती है कि यार इसमें जो चिकन है वो तो प्रोटीन है ना, क्या हो गया अगर वो तेल में फ्राई हुई है, तो वो तो प्रोटीन ही खा रही हूँ ना। अब भी मैंने समझ में आया इसका ये सारा सब कुछ। कॉफ़ी को ये सोचती होगी यार कॉफ़ी क्या है, दूध तो प्रोटीन में ही आता है ना, दूध तो डेयरी है, दूध तो अच्छा होता है। वैसे भी हमें डॉक्टर कहते हैं कि डाइट में आप दूध को लो, तो क्या हो गया अगर इसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर चीनी डल गया तो क्या हो गया, कुछ हो सकता है। ये मुझे लगता है इसका ये अभी समझ में आया, मैंने समझ पड़ गई अब ये जो डाइट साइड इसका ये जो प्रोग्राम पूरे बढ़ते हैं ना वो क्यों फड़ते हैं। भाई इस बंदी ने कसम से हद पार कर दी है, मुझे इतनी हंसी आ रही है ना सीरियसली, अभी भी मैं हंस रही हूँ। अच्छा जी खैर ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, व्लॉग के अंदर और बहुत कुछ है, बहुत सारा मसाला है भाई। 20 मिनट के व्लॉग में इसने हमें कुछ 60-70 मिनट का मसाला दिया हुआ है। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है, पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।